Okay, so now we'll take up the next topic, that is offer, or we can say proposal. Now these two words, जो ये दो वर्ड है प्रपोजल और ऑफर, सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग देखते हैं. बेसिक मीनिंग आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज में जरूर देखा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ऑफर करना. जब तक एक ऑफर होगा, हमारा एक फर्स्ट स्टेप होगा ऑफर, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होगी. कॉन्ट्रैक्ट बनने के तरफ एक स्टेप होगा. अगर एक पार्टी ए ऑफर कर रही है बी को कोई भी गुड्स सेल करने के लिए, तो वो ऑफर करेगी तभी उन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बनेगा. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि ऑफर हमें मिले या ऑफर किया जाए. इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दिस प्रपोजल एंड ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A. सो दिस वर्ड प्रपोजल और ऑफर आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ प्रपोजल एंड ऑफर आर बेसिकली सिनोनिमस. दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. दोनों को अगर मैं आपको ऑफर बोल रही हूं तो उसका मीनिंग भी सेम होगा एज ऑफ प्रपोजल. सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो बेसिकली एक सिंपल सा मीनिंग देखते हैं कि ऑफर जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कह रहा है कि वेन वन पर्सन सिग्निफाई करेगा कि क्या वो एक्ट करना चाहता है, उसका विलिंग है टू डू, और या फिर वो काम नहीं करना चाहता. सो वेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो वो काम वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, उसकी मंजूरी लेगा ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस. सच एक्ट, वो एक्ट जो वो करना चाहता है, और एब्सटिनेंस, वो जो काम वो नहीं करना चाहता. ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जिससे समझ आएगा. समझ लीजिए, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया, आई विल मैरी यू. ए ने बोला आई विल मैरी यू. क्या हम इसको एक प्रपोजल, एक ऑफर बोल सकते हैं? ये एक ऑफर नहीं है, ये एक प्रॉपर ऑफर नहीं है. जो हमने एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब एक लॉफुल या हम कह सकते हैं प्रॉपर ऑफर हो. जब एक प्रॉपर ऑफर किया जाता है तब ही एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. सो अगर ए बोल रहा है आई विल मैरी यू, ही इज नॉट ऑफरिंग एनीथिंग. इफ वो कंटिन्यू करता है विल यू मैरी मी, अब ए एक प्रॉपर ऑफर कर रहा है बी को, जिससे बी उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी. सो ये एक प्रॉपर मैरिज प्रपोजल ए ने बी को किया. सो फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट, जो बना रही है, जो ऑफर कर रही है, ए ऑफर कर रहा है, मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, राइट? सो देर आर थ्री एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल. बेसिकली डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस. एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस, आपको एक्सप्रेशन देना होगा कि आप उस काम को करना चाहते हो, टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. मस्ट बी टू अनदर पर्सन. मस्ट बी टू अनदर पर्सन मीन्स यू कैन नॉट ऑफर समथिंग टू योर सेल्फ. अपने आप को ही कोई ऑफर नहीं दे सकते हो, ऑफर आपको किसी और को ही देना पड़ेगा. सो देर कैन बी नो प्रपोजल बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ, राइट? द थर्ड पार्ट और द थर्ड एसेंशियल ऑफ प्रपोजल, तो आपके दिमाग में आपकी तरफ से ये व्यू होना चाहिए टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, और वी कैन से टू अदर पर्सन विलिंगनेस टू डू और एब्सटिनेंस टू डू एनी ऑफ द एक्ट, राइट? सो दीज आर थ्री पार्ट्स और थ्री एसेंशियल्स ऑफ बींग अ प्रॉपर ऑफर. नाउ आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, वी नो द प्रपोजल एंड ऑफर
are basically used interchangeably. They both have same meaning. Now, we've come to the types of offer. Now, there are 5 types of offer. The first one is general offer. What is general offer? As the name suggests, this general offer means that offer made in public or made to everyone. So, it's basically an offer made to the public in general. Pure public ko hi ek offer diya ja raha hai. Made to the public. Generally, sabko ye offer kiya ja raha hai. Aur as wo sabko offer kiya ja raha hai, anyone can accept it. And anyone can accept the offer. As it is made to public in general, anyone can accept the offer. Let's take an example. Now, I made an offer to general, to public in general. Sabko offer diya hai. Aur kisi ko bhi missing person milega, वो मेरे पास लाएगा और मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी. तो ये ऑफर मैंने जनरली सबको किया है, तो कोई भी एक्सेप्ट उस ऑफर को कर सकता है. सेकंड टाइप ऑफ ऑफर इज स्पेशल ऑफर. एज द नेम सजेस्ट, स्पेशल ऑफर, इट इज मेड टू सम स्पेसिफिक पर्सन, मेड टू अ स्पेसिफिक और वी कैन से डेफिनाइट पर्सन. ए ऑफर कर रहा है बी को कि वो उसकी रिस्ट वॉच खरीदेगा क्या, तो ए बी को ही ऑफर दे रहा है, ये सी को नहीं दे रहा या किसी और को नहीं दे रहा, और सिर्फ बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है. अगर ए सिर्फ बी को ऑफर कर रहा है तो सिर्फ बी ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ऑफर, क्रॉस ऑफर. सो व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, दोनों ही सेम ही ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को, but in ignorance at the time of each other's offer. उनको नहीं पता कि भाई A अगर B को कुछ offer कर रहा है और वही चीज B भी A को offer कर रहा है, but दोनों को नहीं पता कि दोनों same time पे ही same चीज का offer कर रहे हैं. In ignorance in the time of each other's offer. This is what cross offer means. Now, the fourth type of offer is counter offer. Counter offer can be explained with an example. Let's take an example. A offer कर रहा है B को अपना plot 10 lakh rupees. A बोलता है कि मेरा plot है, अगर आप B को लेना है तो 10 lakh rupees का. B कहता है ठीक है, मैं plot तो लूंगा पर 10 lakh में नहीं, मैं लूंगा 8 लाख में. नाउ दिस ओरिजिनल ऑफर इज टर्मिनेटेड बिकॉज द न्यू ऑफर इज नाउ 8 लाख रुपीज. सो दिस इज व्हाट काउंटर ऑफर मींस. इफ इन केस बी बोलता है चल यार 10 लाख में ही खरीद लेता हूं, तो ए के पास ये राइट आ जाता है कि वो उसको मना कर सकता है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, सॉरी ये जो ओरिजिनल ऑफर था वो टर्मिनेट हो चुका है. सो दिस इज व्हाट काउंटर ऑफर मींस. नाउ द नेक्स्ट टाइप, स्टैंडिंग ऑफर. नाउ स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट नेम एज वेल. स्टैंडिंग ऑफर, देयर आर डिफरेंट नेम्स, स्टैंडिंग और वी कैन से ओपन और कंटिन्यूइंग. वी कैन से इट इज अ स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर. Now an offer is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing, open or continuing offer. Like A said B ko ki main goods supply karunga aapko 2 months. This offer will remain open or will continue for 2 months. But this offer remain open for him for 2 months.